हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर न्यू वीडियोस ऑफ माय चैनल सो इन वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इनकम टैक्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि अभी ये जो है मार्च खत्म हो चुका है अप्रैल स्टार्ट हो गया नया फिनेंशियल ईयर इज ऑलरेडी स्टार्टेड सो नाउ दिस इज द परफेक्ट टाइम टू प्लान योर द टैक्स सेशन ओके सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिक्लेयर ऑल ऑफ द थिंग्स

उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको टैक्स देना है टू द गवर्नमेंट एंड दिस इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम फ्यू कुछ कुछ कंट्री पे ये जो टैक्स है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सो ऑब्वियसली विद इन दिस वीडियो आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दोस्त आज का जो वीडियो है इट्स कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट हाउ यू कैन सेव सम एक्स्ट्रा टैक्स और हाउ यू कैन पे नो टैक्स टू द गवर्नमेंट इन लीगली like कुछ आप लोग जो टैक्स है इसको बचा लिया वो ऐसा नहीं है ये जो वीडियो ऑन द लीगली हाउ यू कैन सेव द टैक्स और जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों को बताऊंगा इन लेम लैंग्वेज पूरा सिंपल लैंग्वेज पे मैं बताने वाले हूँ क्योंकि ये इनकम टैक्स का जितना कॉम्पोनेंट है जितना एक्सक्लूशन है दीज आर ह्यूज राइट सो मैं अगर सारा चीज लेके अगर बैठ जाऊंगा समझाने के लिए

So, every minute detail I will provide you. Let's start regarding the income tax declaration how to do it, what's the procedure, what are the components, how you can save some tax. So, basically, income tax declaration, whenever you are declaring, the total, there are two parts basically. The first one is that you have to exclude few of the components from your taxable income from your salary.

सैलरी uh, स्लिप जो है उसको एक बार ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद आप लोगों को बहुत कंपोनेंट सबको उधर मिल जाएगा वहाँ पे वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज़ बेसिक सेकेंड वन इज़ डियरनेस अलावेंस, थर्ड वन इज़ हाउस रेंट अलावेंस ऐसे करके कॉन्वेंस अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, स्पेशल अलावेंस बहुत कुछ है, इस टाइप का अलावेंस आप लोगों को मिलता है तो वो सब अलावेंस एक्चुअली क्या है सबका अलग अलग फंक्शनैलिटी है बेसिक तो हम लोगों को पता ही है बेसिक जो है हम लोगों का बेसिक सैलरी है सबसे बेस सैलरी बेसिकली ठीक है और वो छोड़ के भी डी एन एस अलाउेंस कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे देते हैं एच आर आई अलावेंस लगभग सब ऑर्गेनाइजेशन पे चलता है कॉन्वेन्स अलाउंस चलता है मेडिकल अलाउंस चलता है स्पेशल अलाउंस चलता है तो अभी हम लोग को जानना है कि एग्जैक्टली exactly कौन सा कॉम्पोनेंट डिक्लेयर करना है टैक्सेबल कौन सा कॉम्पोनेंट डिक्लेयर करना है नॉन टैक्सेबल सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इज़ हाउस रेंट अलावेंस एच आर ए ये एच आर ए कॉम्पोनेंट एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसका थ्रू आपका मतलब जो इनकम है इनकम से आप एक मोटा अमाउंट आप पूरा ही एक्सक्लूड कर सकते हो फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम सो देट वो जो कॉम्पोने मतलब वो जो पर्टिकुलर फिगर है वो फिगर के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे मतलब नहीं करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट सो आई एम जस्ट शोइंग अ एग्जाम्पल एज पर आवर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ सपोज जस्ट कॉन्सिडर दिस एज अ पे स्लिप ओके नाउ हाउस रेंट अलाउंस पे लिखा हुआ है कि ट्वेंटी थाउजेंड अभी हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट तुम कैसे करोगे और कितना तुम क्लेम करोगे कि इतना पैसा Uh, मैं देता हूँ हाउस रेंट पे इसके ऊपर टैक्स मत काटो तो हाउस रेंट अलाउंस नॉर्मली टोटल तीन प्रोसीडियोर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहला जो प्रोसीड्योर है जो एक्चुअल एच आर ए रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इन आवर केस कितना है ये ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है सेकेंड प्रोसीडियोर जो है एक्चुअल रेंट पेड ऑफ द टेन परसेंट ऑफ द सैलरी जो हम लोगों का केस में कितना होगा ट्वेल्व थाउजेंड होगा जस्ट कंसीडर की ये ट्वेल्व थाउजेंड है जो आप रेंट पे करते हो हर महीने टू योर द प्रॉपर्टी ओनर एंड द थर्ड मेथड इज द फिफ्टी परसेंट ऑफ द बेसिक सैलरी तो हम लोगों का बेसिक सैलरी कितना है फोर्टी परसेंट उसका फिफ्टी परसेंट कितना होता है ट्वेंटी थाउजेंड तो ये तीन क्या, तीन कैलकुलेशन तो आप कर लिए अभी ये तीनों जो कैलकुलेशन है इसका अंदर सबसे जो मिनिमम छोटा जो फिगर होगा दैट विल बी योर एच आर ए सो so, वो वाला छोटा फिगर आपको कंसीडर uh, करना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा आपको एम्प्लॉयर को कि ये जो अमाउंट है इतना मैं एच uh, आर मतलब हाउस uh, रेंट देता हूँ तो इसको आप एक्सक्लूड कर लो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर पोर्टल होता है ठीक है ये वाला पोर्टल मार्च महीने में खुलता है जब फिनेंशियल ईयर नया फिनेंशियल ईयर वेन इट इज़ स्टार्टिंग तो वो वाला पोर्टल एक खुलता है उसका एक सबमिशन एंड डेट भी होता है ठीक है तो वो वाला डेट का डेडलाइन का अंदर आपको ये वाला चीज़ डिक्लेयर करना है सो एज़ पर आवर एग्जाम्पल यहाँ पे तीनों कैलकुलेशन हम लोग कर लिया सबसे छोटा छोटा कितना आ रहा है सबसे मिनिमम ट्वेल्व थाउजेंड सो ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ विल बी आवर एच आर डिक्लेरेशन तो टोटल टोटल बारह महीने का कितना हो गया टू लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है टू लैख फोर्टी थाउजेंड हो गया तो so, ये टू लैख फोर्टी थाउजेंड आपका जो टोटल सैलरी आपको जो एनुअली जो मिलता है इन हैंड वो वाला कंपोनेंट से ये टू लाख फोर्टी थाउजेंड डिडक्ट हो जाएगा तो अभी आपका जो सैलरी का पार्ट जो है अभी टैक्सेबल बाकी जो है वो वाला हो गया तो ये टू लाख फोर्टी थाउजेंड पूरा एक्सक्लूजन हो गया बिकॉज आप रेंट दे रहे हो ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज़ द स्पेशल अलाउंस और बोके ऑफ बेनिफिट्स और फ्यूल मेंटेनेंस इस टाइप का कुछ आता है ठीक है जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे स्पेशल अलाउंस का नाम से ये वाला कंपोनेंट आता है टी पे या कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे बोके ऑफ़ बेनिफिट बोल के आता है एच या उस टाइप का इन्फोसिस इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पे फ्यूल मेंटेनेंस है ऐसा कुछ टाइप का आता है ठीक है तो ये वाला स्पेशल अलाउेंस और बुके ऑफ बेनिफिट और फ्यूल मेंटेनेंस का जो टोटल एलिजिबल अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इट्स अ बिगर अमाउंट ठीक है अभी वो वाला कॉम्पोनेंट को अब अभी आग, आप लोग अगर ये करोगे सेग्रीगेशन करोगे इसका अंदर भी बहुत साफ कॉम्पोनेंट आता है जैसे पहले होता है एल जिसका पूरा नाम है लीव ट्रैवल अलावेंस डिटेल पे मैं बाद में बात करूँगा शॉर्टली तो एल का सब कॉम्पोनेंट रहता है फिर प्रोफेशनल का प्रोफेशनल परसू जो है वो उसका एक सब कॉम्पोनेंट आता है बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन देता है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन बुक्स और जर्नल्स पे देता है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन व्हीकल मेंटेनेंस का सब कॉम्पोनेंट देता है मोबाइल एंड इंटरनेट लगभग 99% कंपनी देता है ठीक है एनपीएस जो है एन पी एस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम इसका एक कॉम्पोनेंट रहता है वो छोड़ के फूड वॉलेट या सोडेक्सो या हप्पे कार्ड बोल के एक फूड वॉल वॉलेट या कार्ड टाइप का कुछ मिलता है तो अभी आप लोगों को जानना है ये सब इतना कॉम्पोनेंट तो दे रहा है इसका इतना अलग 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 अलग, -अलग नाम है ठीक है तभी ये सब कॉम्पोनेंट को अभी कैसे आप यूटिलाइज करोगे सो so दैट आपका जो ईयरली जो सैलरी टोटल मिलेगा वहाँ से ये सब कॉम्पोनेंट एक्सक्लूड हो जाएगा मतलब ये सब कॉम्पोनेंट का ऊपर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा ठीक है अभी हम लोगों का एग्ज़ाम्पल पे जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला एग्ज़ाम्पल पे टोटल स्पेशल अलाउेंस थ्री लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड एनुअली सपोज एक एम्प्लॉय को मिलता है इसके अंदर ये सब कॉम्पोनेंट है तो इसका अंदर एल हो गया सिक्सटी थाउजेंड प्रोफेशनल पर्सन हो गया वन लाख ऐसे करके टोटल थ्री लैक्स थर्टी सिक्स थाउजेंड इधर है तो इसका प्रॉस और कॉन्स भी मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ ये वाला वीडियो पे तो ये सब कंपोनेंट अगर आप टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल कर रहे हो मतलब आ, अगर टैक्सेबल से आप लोग नॉन टैक्सेबल कर रहे हो तो इसका प्रॉस जो है यू कैन सेव द टैक्स एज सिंपल एस दैट और इसका जो कॉन्स है आपका जो मंथली सैलरी जो इनहेंट मंथली मिलता है वो थोड़ा कम हो जाएगा बट एज सुन एज यू विल सबमिट द प्रूफ ऑफ बिल ये सब कॉम्पोनेंट का आपको चंक ऑफ मनी एक साथ आपको मिल जाएगा ठीक है जब आप बिल सबमिट करोगे आपका एम्प्लॉयर का पास तब ये वाला चीज़ मिल जाएगा मैं मैं एक शॉर्ट एग्जांपल अभी दे रहा हूँ ठीक है सपोज एक एम्प्लॉय का पास एक व्हीकल है और उसका सैलरी स्लिप पे ये वाला लिखा हुआ है कि व्हीकल मेंटेनेंस सिक्सटी थाउजेंड तभी ये वाला वो नॉन टैक्सेबल कर सकते हैं कैसे नॉन टैक्सेबल सपोज सिक्सटी थाउजेंड इसको नॉन टैक्सेबल डिक्लेयर कर दिया वो वाला एम्प्लॉय ठीक है सिक्सटी थाउजेंड एनुअली हो गया तो मंथली कितना हो रहा है फाइव थाउजेंड ठीक है तो ये वाला अगर डिक्लेयर कर लिया तो उसके बाद वाला जो सैलरी मिलेगा थ्रू आउट द ईयर फाइव थाउजेंड करके कम आएगा विद इन द सैलरी बट वो वाला एम्प्लॉय का पास अभी ऑप्शन है हर महीने फाइव थाउजेंड करके जो भी व्हीकल का खर्चा है एज पर एग्ज़ाम्पल फ्यूल का खर्चा हो गया सपोज मान लो कि फ्यूल का दाम है दो हज़ार रुपया पर महीने ठीक है तो दो हजार का वो जो बिल बना के एम्प्लॉयर को सबमिट कर दिया वो छोड़ के इंश्योरेंस सपोज पकड़ के चलो कि इंश्योरेंस का भी दो हज़ार मंथली आ गया ठीक है ऐसे भी तो इंश्योरेंस एनुअली मिलता है बट एज़ पर एग्जाम्पल सपोज दो हज़ार करके इंश्योरेंस अगर वो पकड़ लेगा तो महीने का वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड का बिल डाल सकता है राइट right? तो ऐसे करके तुमको जो करना पड़ेगा बिल डालना पड़ेगा और वो बिल देख के आपका जो एम्प्लॉयर है आपको बिल अप्रूव करने का बाद ये वाला जो कॉम्पोनेंट है जो फिगर है आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विथ दैट सैलरी ठीक है तो इसका प्रॉस भी है कॉन्स भी है कॉन्स यही है कि आपका मंथली सैलरी टेम्पोरली थोड़ा लो आपको आपका पास होगा इनहैंड सैलरी बट ओवरऑल आपका बेनिफिट है क्योंकि आपका टैक्स बच रहा है ठीक है अभी गोइंग टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट जो आता है एल टी ए लीव ट्रैवल अलाउेंस ओके तो यहाँ पे जितना सारा कंपोनेंट सब कंपोनेंट है सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे पूरा टैक्स बचाना है ठीक है तो एल जो है लीफ ट्रैवल अलाउंस मैक्सिमम टाइम पे हम लोग ये एल को पूरा इग्नोर कर देते हैं बट एक्चुअली ये एल का अच्छा खासा बेनिफिट है ठीक है ये एल जो है आप टोटल फोर इयर्स के अंदर दो बार आप क्लेम कर सकते हो ठीक है और ये कब इसको एप्लीकेबल कब होता है बेसिकली पूरा ईयर पे हम लोग छुट्टी पे जाते हैं राइट सपोज सपोज सामोनिस वर्किंग इन कोलकाता सामोनिस वर्किंग इन बैंगलोर तो सपोज़ हम लोग कश्मीर चला गया पूरा घूमने के लिए ठीक है तो वो जो हम लोग कश्मीर चला गया उसके लिए हम लोग का लीव अप्रूवल लेटर है राइट फ्राम आवर मैनेजर तो वो वाला लेटर आपका पास पहला बना चाहिए सेकेंड चीज़ ये लीव ट्रेवल अलाउेंस का सिर्फ ट्रैवल का टिकट ही आपको मतलब सही से रखना पड़ेगा दैट इज़ एप्लीकेबल एज अ प्रूफ ठीक है तो अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे इसको एल हम लोग क्लेम कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल सो बेसिकली लीव ट्रैवल अलाउंस इज अ कॉन्सेशन इज अ लीव ट्रैवल कॉन्सेशन इज अ टाइप ऑफ अलाउंस गिवन बाई द एम्प्लॉय टू देयर एम्प्लॉय फॉर ट्रैवलिंग टू एनी प्लेस इन इंडिया सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिया कोई अगर लॉस एंजल्स जा रहा है कोई अगर दूसरा कोई सिंगापुर जा रहा है तो ये वाला उसका जो एयर टिकट है अगर डालोगे दिस विल बी डिजअप्रूव ठीक है तो आपका इंडिया का अंदर ही कुछ जाएगा आपको घूमना पड़ेगा पूरा ईयर पे और उसका लीव जो है अप्रूव्ड होना पड़ेगा सो दैट यू कैन शो द फ्लाइट टिकट और ट्रेन का टिकट और बस का टिकट या गाड़ी का टिकट कुछ भी और इसका बिल जो है सही से रख दो ठीक है तो ये ऐसे आप लोग ये एल टी को पूरा ही नॉन टैक्सेबल दिखा सकते हो ठीक है नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ हु कैन क्लेम द एल टी ए यहाँ पर लिखा हुआ कि इंडिविजुअल्स कैन क्लेम एल टी ए फॉर द ट्रैवल कॉस्ट इनकट फॉर देम सेल्फ एंड फॉर देअर फैमिली मेम्बर्स लाइक स्पाउस चिल्ड्रेन और द डिपेंडेंट पेरेंट्स और डिपेंडेंट सिबलिंग्स ठीक है तो ये जितना लोगों का बिल है ट्रेवल का जो बिल है ये आप डाल सकते हो एल टी ए नाउ नेक्स्ट वन द कॉन्डिशन फॉर क्लेमिंग द एल टी ए इंडिविजुअल मस्ट बी एन एम्प्लॉई एंड शूड हैव एन एल टी ए कॉम्पोनेंट इन द सी टी सी लगभग हम लोग का जो uh, मतलब जितना आ, लोग आई टी पे काम करता है या दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन पर दूसरा कोई डोमेन पर काम करता है तो उन लोगों का सी टी सी का पार्टी ये होता है कि एल टी ए बोल के एक होता है ठीक है आपको ये भाला चेक करना पड़ेगा आपका जो ऑफर लेटर है या पे स्लीप है वहाँ से और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्चुअल जर्नी इज़ अ मस्ट टू क्लेम फॉर द एग्जिम्शन ओनली डोमेस्टिक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज ओके सो ओनली डोमेस्टिक ट्रैवल इज कॉन्सिडर्ड फॉर द एग्जिम्शन एंड ऑल्सो ट्रैवल विद इन मतलब वही सेम चीज़ ही हुआ कि ट्रैवल विद इन इंडिया और नो इंटरनेशनल ट्रैवल इज कवर्ड विद इन दिस एल टी ए ठीक है तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आप पॉज करके वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो ठीक है इसको मैं दूसरा जगह छुपा देता हूँ मेरा शक्ल को तो यहाँ पे यार पे क्या लिखा हुआ है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस और इकोनॉमी क्लास एयरफेयर ऑफ द नेशनल कैरियर ठीक है ये इंडियन एयरलाइंस कुछ भी इंडिया एयर इंडिया कुछ भी हो सकता है ठीक है तो मान के चलो कि सपोज तुम कोलकाता से कश्मीर जा रहे हो तो उसका जो एयर टिकट है इकोनॉमी प्राइस ऐसा नहीं है कि बिज़नेस क्लास के टिकट खरीदा और डाल दिया ठीक है वो दैट विल नॉट बी एलिजिबल तो आपको इकोनॉमी का जो क्लास है वो आपको डालना पड़ेगा देन इट विल बी अप्रूव्ड ठीक है एंड द शॉर्टेस्ट रूट ऐसा नहीं है कि आप कोलकाता से कश्मीर जा रहे हो आप पहले गया यूपी उसके बाद गया हरियाणा उसके बाद गया कश्मीर ऐसा नहीं कि शॉर्टेस्ट रूट है सो जस्ट रिमेंबर एंड सपोज इफ यू आर नॉट गोइंग बाई फ्लाइट इफ यू आर टेकिंग द आई आर सी टी सी का जो भी ट्रेन है ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास तुम क्लेम कर सकते हो एंड द शॉर्टेस्ट रूट ठीक है रेल सर्विस इफ़ द रेल इज अवेलेबल उसका जो एयर कंडीशन का फर्स्ट क्लास का टिकट है वो तुम डाल सकते हो फॉर योर फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली सपोज़ फ्लाइट भी सर्विस नहीं है और जो रेल है वो भी सर्विस नहीं है ठीक है देन फिर क्या करोगे देन बाय रोड का जो है जो भी है वो भी तुम डाल सकते हो बट उसका जो कैलकुलेशन होगा वो फर्स्ट क्लेस का हिसाब से ही होगा तो सपोज़ अब लोग गाड़ी से घूमने चला गया ठीक है गाड़ी का टोटल फ्यूल खर्चा ये खर्चा वो खर्चा मिला के सपोज़ ट्वेंटी थाउजेंड हो गया ठीक है और फ्लाइट का अगर टिकट देखोगे फ़्लाइट का टिकट का फेयर है सपोज़ ट्वेल्व थाउजेंड तो आपको ट्वेल्व थाउजेंड ही मिलेगा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा ठीक है ना तो इसके हिसाब से आपको एल टी ए क्लेम करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ईयरली एटलीस्ट एक बार तो घूमने जाते हैं विथ आवर फैमिली तो वाई नॉट

तो उसके हिसाब से आपको आ, उसका जो अमाउंट है वो आपको एक साथ मिल जाएगा एंड टेम्प्रोरी फॉर द टेम्प्ररी टाइम आपका जो मंथली सैलरी है वो वहाँ पे थोड़ा कम आएगा क्योंकि इसका जो सपोज़ ट्वेल्व महीने का हम लोगों का एग्जाम्पल पर कितना था ट्वेल्व महीने का सपोज सिक्सटी थाउजेंड अगर कॉम्पोनेट पे है तो एक मही पर महीने के हिसाब से यहाँ पे आते हैं फाइव थाउजेंड राइट तो फाइव थाउजेंड करके काम कम आएगा फॉर द टेम्प्रोरी बेसिस बट जब बिल डालोगे उसके ऊपर Uh, पूरा पैसा वो लोग दे देगा ठीक है और वो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज द व्हीकल मेंटेनेंस आई थिंक व्हीकल मेंटेनेंस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड यू कैन शो द फ्यूल बिल ड्राइवर सैलरी व्हीकल मेंटेनेंस एंड द व्हीकल इंश्योरेंस ओके एक्चुअल बिल सबमिशन इज नीडेड फॉर द एम्प्लॉयर तो एगेन दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ हम लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्या था यहाँ पे एग्जाम्पल पे था कि व्हीकल मेंटेनेंस तो टोटल सिक्सटी थाउजेंड तो पर महीने के हिसाब से फाइव थाउजेंड करके बिल आता है राइट तो अब अगर एल टी डिक्लेयर करोगे नॉन टैक्सेबल पे फॉर द टेम्प्रोरी बेसिस आपका महीने में 5000 सैलरी कम आएगा बट जब ये बिल डालते जाओगे फूल बिल सपोर्ट डाल दिया पाँच हज़ार या दो हज़ार दो हज़ार रुपये कर लो ठीक है रियल रियल सीनियर पे दो हज़ार या एक हज़ार ऐसे ही होता है तो दो हज़ार एक हज़ार ऐसे बिल डाल सकते हो व्हीकल इंश्योरेंस टोटल महीने का मतलब टोटल ईयरली जो है ट्वेल्थ थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड जो भी है उसका हिसाब से डाल दो आपका पास अगर ड्राइवर है वो डाल सकते हो ड्राइवर नहीं है तो फाइन व्हीकल मेंटेनेंस का जो भी बिल है वो बना के डाल दो तो इसका बिल जब सबमिट करोगे एम्प्लॉयर विल गिव यू द मनी ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ मोबाइल एंड द इंटरनेट ठीक है अभी कुछ कुछ बंदे लोगों को वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कुछ कुछ बंदे लोगों को हाइब्रिड चल रहा है ठीक है तो ये वाला एक कॉम्पोनेंट होता है मोबाइल और इंटरनेट का तो लगभग पूरा ईयर पे ट्वेल्व थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड तो मिनिमम हो ही जाएगा मोबाइल और इंटरनेट ठीक है दैट इज़ द मिनिमम तो उसका जो बिल है आप रख दो और ये मोबाइल और इंटरनेट का जो ये है वो भी टैक्स डिक्लेरेशन पे मार्च का जो डेडलाइन है उसके अंदर एम्प्लॉयर को बोल दो कि ये भी मेरे को नॉन टैक्सेबल चाहिए इसके ऊपर कोई मत टैक्स uh, मत कटो ये भी मेरे को नॉन टैक्सेबल चाहिए इसका जो बिल है हम लोग डाल देंगे ठीक है तो टेम्पोरी बेसिस पे अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग सो दैट यू नो यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली तो टेम्प्ररी बेसिस पे आपका मंथली सैलरी पर ये वाला चीज़ नहीं आएगा बट वांस यू विल सबमिट योर बिल्स ठीक है आप एक साथ पूरा ईयर का एक साथ भी डाल सकते हो या मंथली मंथवाइज month भी आप डाल सकते हो उसका हिसाब से वो लोग पैसा दे देगा और उसका ऊपर भी कोई टैक्स नहीं कटेगा नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ कॉल्ड द एन पी एस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ये एन पी एस भी हम लोग बहुत जो मिस कर देते हैं क्योंकि बहुत को कॉम्प्लिकेशन जो है नहीं पसंद है ठीक है मैं लोगों का साथ बात करके जो वट आई अंडरस्टूड कि लोगों को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों बहुत सारा लोग का साथ मैंने बात किया वो लोग क्या बोला कि ठीक है जो भी टैक्स कट रहा है फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड टेन थाउजेंड पर मंथ जो कट कर रहा है कटने दो हम लोग न्यू टैक्स रिजर्म डालेंगे ठीक है न्यू टैक्स रेजिम डालेंगे उसके हिसाब से जो टैक्स कट रहे है कटने दो मेरे को कोई हेडेक नहीं है ये करना है हम लोग कोई कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो बस टैक्स देंगे ठीक है सो दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज़ रॉन्ग बिकॉज एनी दिस इज आवर दिस इज आवर हार्ड अर्न मनी राइट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली सी एक ना एक दिन तो हम लोग सब रिटायर्ड होंगे राइट right? तो उसके उस टाइम का बारे में भी हम लोग को सोचना पड़ेगा जो टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो हम लोगों का घर से पूरा ही चला जा रहा है राइट right? तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा ऑप्शन ले ले कि जहाँ से हम लोगों का फ्यूचर जो है वो भी थोड़ा सिक्योर हो जाए ठीक है नॉट ओनली आवर फ्यूचर बट ऑल्सो आवर फैमिली मेम्बर्स फ्यूचर सो एन क्या है पूरा नाम जो है बहुत जन का पता है बहुत जन का नहीं पता है नेशनल पेंशन स्कीम सो दिस इज़ पूरा डेडिकेटेडली पूरा पेंशन ठीक है एन का जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है मतलब इसका क्या है इसका एलिजिबिलिटी uh, ये है आपका एक एन का जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा ठीक है वो वाला मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूँ वो वाला बहुत इजी है स्टेप्स मैं बता दूंगा कैसे एन अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट घर से uh, आप जस्ट uh, ओपन कर सकते हो ठीक है उसके बाद क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को वही मार्च का जो डेडलाइन है जो भी टैक्स डिक्लेरेशन का उसके अंदर बोल दो कि एन का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मेरे को चाहिए ठीक है हम हमला हम हम, हम हम लोगों का जो एन का जो कार्ड है वो नंबर आपको भेज देंगे आप ये वाला कंपोनेंट मेरे को सैलरी में मत डालो तुम मेरा बिहाफ में गवर्नमेंट का जो एन मेरा अकाउंट बना हुआ है वहाँ पर आप डाल दे जाओ पर महीने सो एज़ पर एग्ज़ाम्पल इन आवर एग्जाम्पल आवर बेसिक इज फोर लैख एट्टी थ्री फोर लैख एट्टी थाउजेंड ठीक है ईयरली अभी इसका टेन परसेंट बेसिक कितना हो गया फोर्टी थाउजेंड एनुअली ठीक है तो ये वाला एन पी एस अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो तुम्हारा एम्प्लॉयर का पास विद इन दिस मार्च डेडलाइन देन आफ्टर डिक्लेयरिंग द सेम योर एम्प्लॉयर विल डिडक्ट थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री रुपीज़ मतलब ट्वेल्व से अगर इसको डिवाइड करोगे ट्वेल्व से अगर इसको डिवाइड करोगे थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री रुपीज़ होता है लगभग अप्रॉक्स ये वाला चीज़ आपका मंथली सैलरी से Uh, वो लोग नहीं डालेगा बट आपका जो एन अकाउंट है वहाँ पर ये लोग डाल देगा ठीक है तो जिसके लिए फोर्टी थाउजेंड एनुअली आपका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है जो होना चाहिए ऑब्वियसली और उसका साथ साथ आपको एक पैसा भी टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है ये फोर्टी थाउजेंड के ऊपर द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू शेयर योर पैन कार्ड पी आर ए एन कार्ड और द अकाउंट नंबर टू योर एम्प्लॉयर कैसे पैन कार्ड बनाना है कैसे एन का अकाउंट बनाना है मैं सारा चीज बोल दूंगा डोंट वरी अबाउट इट नाउ लास्ट कंपोनेंट जो है फूड वॉलेट सोडेक्सो हैप्पे कार्ड मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन पे ये वाला चीज चलता है सोडेक्सो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे ये वाला चलता है हैप्पे कार्ड ये हैप्पे कार्ड एच डी का आता है ठीक है इस टाइप का दिखता है और सोडेक्स को सोडेक्सो का जो मिल पास है ये इस टाइप का दिखता है ये दोनों कार्ड का बेनिफिट क्या है ये दोनों कार्ड का यही बेनिफिट है सपोज एज पर आवर एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हम लोग का सोडेक्सो या मिल्क ओपन है मिल पास पे हम लोग का सिटीशिप का पार्ट है ठीक है या पे पे स्लिप में लिखा हुआ है तो ये बहुत जो बहुत एम्प्लॉ एम्प्लॉय क्या करता है ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वो टैक्सेबली ले, ले लेता है तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं और ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड महीने महीने में जो जो भी आएगा ठीक है दो हज़ार या दो हजार समथिंग करके आप लोगों का मन पे दे, दे देगा आप लोगों का सैलरी का साथ विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग क्योंकि हर महीने हम लोगों का मिल का कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा राइट ये खाने का खर्चा या आ, कुछ भी बेवरेज आप ले रहे हो ठीक है तो वो उसका खर्चा ठीक है बहुत सारे रेस्टोरेंट पर सोडेक्सो चलता है बहुत सारा ग्रॉसरी स्टोर पर सोडेक्सो चलता है आदे? तो ये सोडेक्सो का बेनिफिट ले लो ईयरली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का ऊपर आप पूरा ही टैक्स बचा सकते हो ठीक है महीने में दो या ऐसा ऐसा करके आता है समथिंग वो दो तो महीने में खर्चा हो ही जाता है ऑन आवर ग्रॉसरी ऑन आवर बेवरेज सो क्यों ना इसका बेनिफिट लो ठीक है क्यों ना इसको बेनिफिट ले सो बेसिकली एच डी एफ सी का हैप्पी कार्ड इस टाइप का आता है मेरे पास ऐसे करके आता है तो ये भी आप डाल दो कि सैलरी uh, का डिक्लेरेशन पे मार्च के अंदर कि मेरे को ये वाला बेनिफिट भी चाहिए सो दैट योर एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ कार्ड एनी वन ऑफ द कार्ड ठीक है जो उसका टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो तो ये वाला कॉम्पोनेंट जितना ये टोटल सेवन कॉम्पोनेंट है ये वाला कहाँ का है मैं और एक बार इसको थोड़ा रिवाइज़ कर देता हूँ ठीक है ये वाला इनकम टैक्स डिक्लेरेशन का ये वाला पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं ठीक है हम लोग अभी भी यहाँ पे नहीं गया तो ये जितना हम लोग कॉम्पोनेंट का टैक्स बचा है वो ये वाला ये पहले का जो कॉम्पोनेंट है इधर से बचा है अभी हम लोग जाएंगे इधर डिडक्शन सी एटी डी एटी इधर हम लोग जाएंगे ठीक है तो डिडक्शन कॉम्पोनेंट ये भी वो मार्च का जो विंडो है वहाँ पे ही आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा ये डिडक्शन कॉम्पोनेंट को मतलब क्या क्या आप लोग दिखाना चाहते हो ठीक है बहुत जन का पास एल होता है बहुत जन का पास ई एल फंड होता है बहुत जन का पास टैक्स सेविंग कुछ भी म्यूचुअल फंड होता है ठीक है बहुत जन का पास टर्म इंश्योरेंस होता है मेडिकल इंश्योरेंस होता है ये सब होता है राइट तो उसका भी बेनिफिट आप पूरा ही उठा सकते हो तो क्या क्या इधर कॉम्पोनेंट मिलता है एट्टी सी एट्टी डी एट्टी ई एट्टी जी ऐसे करके बहुत सारा कॉम्पोनेंट है डोंट थिंक दीज आर कॉम्प्लीकेटेड इसका एक एक का बारे में हमें हम लोग मतलब डिटेल पे पूरा डिस्कस करेंगे ठीक है ना लेट्स एट टी में क्या आता है ठीक है एट में इसका लिमिट है 1.5 पॉइंट तो ये बेसिकली आपका जो भी आपको सैलरी मिल रहा है ठीक है पूरा ईयरली उसके अंदर से 1.5 पॉइंट का आप टैक्स बचा सकते हो बाई इन्वेस्टिंग बाई इन्वेस्टिंग ऑन द एल और uh, ई एल एस एस फंड ये सब टैक्स सेविंग फंड है ठीक है या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो इतना जो लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस हो गया ई एल एस एस हो गया ई पी एफ हो गया पेंशन स्कीम हो गया ट्यूशन फी फॉर चिल्ड्रन हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी पी एफ हो गया सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया ठीक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया ये टैक्स सेविंग एफ डी भी होता है ठीक है वो भी थोड़ा लॉक इन पीरियड रहता है बट बाद में जो पैसा है आपको मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस का जो डिपोजिट हम लोग करते हैं ठीक है फिक्स डिपोज़िट वो भी मिलता है उसमें नेशनल पेंशन स्कीम ये सब भी एलिजिबल है सो एटी सी के बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है एग्जैक्टली सो सेक्शन एट सी इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज ऑप्शन फॉर द टैक्स सेविंग एंड हेयर एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हु इन्वेस्ट और स्पेंड्स ऑन द टैक्स सेविंग एवेन्यूज कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ टू वन पॉइंट फाइव लैक ओके तो एट सी का जो है सपोज एज पर एग्जाम्पल आपका एल आई सी एक है ठीक है क्योंकि बहुत जन का एल आई सी रहता है इसलिए मैं एल आई सी से ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट बाद में भी बोलेंगे कि एल आई सी करना है या दूसरा कुछ करना है ठीक है तो एल आई सी का सपोज़ आपका प्रीमियम हो गया सपोज़ दो हज़ार पर महीने टू थाउजेंड पर महीने ठीक है तो ईयरली कितना हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो वो वाला एल आई सी का कम्पोनेंट इधर आप दिखा दो ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो वन पॉइंट फाइव लैक से ट्वेंटी फोर थाउजेंड हट गया ठीक है उसमें उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है बाकी जो कॉम्पोनेंट है उसका एक टर्म इंश्योरेंस ले लो टर्म इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये सब इंडिविजुअली लेके मतलब चीज़ लेके मैं अलग अलग करके वीडियो बनाऊँगा फॉर देट बेनिफिट ठीक है और टर्म इंश्योरेंस एक्जैक्टली क्या है सपोज मतलब कोई अगर बंदा है सपोज नाम है एक्स ठीक है एक्स का खुदा न खस्ता कुछ अगर हो गया ठीक है तो उसका फैमिली जो है क्या होगा फैमिली को बस फैमिली को तो सिक्योर रखना पड़ेगा राइट तो उस टाइम उसका उस टाइम टर्म इंश्योरेंस हेल्प करेगा ठीक है उसका अगर फिफ्टी लैख टोटल अमाउंट है कवरेज तो फैमिली को 50 लाख मिल जाएगा ठीक है तो टर्म इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी चीप एज वेल आपका एज जितना कम है उस उस टाइम अगर ले लोगे तो इसका जो प्रीमियम है बहुत कम आता है ठीक है सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड ऐसे करके आता है पर महीने ठीक है उसका ये भी होता है कि अगर किसी को अगर कुछ ना मतलब कुछ होगा नहीं ठीक है फिर वो पैसा मिल भी जाता है ठीक है तो मतलब एंड ऑफ द पॉलिसी टाइम तो एक टर्म इंश्योरेंस ले लो सपोज एक हज़ार का टर्म अनश ले लिया पर महीने करके जा रहा है तो ट्वेल्व महीने का कितना हो गया ट्वेल्व थाउजेंड राइट सो एल आई सी हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये वाला हो गया ट्वेल्व थाउजेंड तो ऐसे करके ये वाला टोटल फील करना है जो बच गया ठीक है जो बच गया वन पॉइंट फाइव लाख का ट्रेश होल्ड से वहाँ से वहाँ से मतलब आप एक ई फंड ले सकते हो ठीक है जो टैक्स सेविंग फंड है इट्स अ म्यूचुअल फ़ंड सो ये म्यूचुअल फ़ंड का सपोज एक आप लोग अगर ले लिया तो ये म्यूचुअल फ़ंड का लगभग मान के चलो कि टेन परसेंट रिटर्न दे ही देगा ठीक है मिनिमम दैट इज द मिनिमम सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टेन परसेंट रिटर्न दे ही देगा ठीक है तो ये ई एल एस एस फंड का म्यूचुअल फंड जो है ये पैसा तो आपका ही है राइट सिर्फ हम लोग का यही टारगेट है कि टैक्स इसमें से नहीं देना है दैट्स इट ओके तो ई एल एस एस फंड सपोज आप लोग ले लिया ठीक है तो ये सब कुछ मिला के कॉम्पोनेंट मिला के वन पॉइंट फाइव लाख का आप लोग डिक्लेयर कर दो ठीक है जब फिनेंशियल ईयर जब ख़त्म होने वाला है उस टाइम आप लोगों को क्या करना है जब बस इस सब का जो प्रूफ है ठीक है जो भी आपको मिलता है प्रीमियम सर्टिफिकेट रिसिप्ट कॉपी ये सब डाल दो एम्प्लॉयर को ये सब सब टैक्स से हट जाएगा ठीक है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एटी जितना सारा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है मेडिकल का इंश्योरेंस मैंडेटरी है ठीक है बट इंडिया पर मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है जिसका बहुत प्रॉब्लम होता है ठीक है किसी का कुछ अगर uh, मतलब सपोज uh, इमरजेंसी कुछ हो गया या हॉस्पिटल में थोड़ा भर्ती होना पड़े तो उस टाइम हम लोगों का पास पैसा नहीं रहता है खुद का सेविंग से पैसा जाता है ठीक है राइट right? तो जैसे हम लोग गाड़ी का या व्हीकल का जब इंश्योरेंस खरीदते हैं इन द सेम टाइम हम लोग का जो खुद का इंश्योरेंस ये भी ख़रीदना चाहिए क्योंकि सबसे वैल्यूएबल ये मतलब आपका दुनिया में आपका सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो है वो आप हो राइट सो यू हैव टू परचेज योर मेडिकल इंश्योरेंस तो ये मेडिकल इंश्योरेंस एट्टी डी में हम लोग कैसे दिखा सकते हैं खुद के लिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेल्फ या फैमिली अगर सिक्सटी थाउ सिक्सटी ईयर से अगर बिलो हो ऑब्वियसली वही होगा राइट सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर ईयर आप दिखा सकते हो ठीक है अभी आपका सपोज दो पेरेंट है आ, मतलब आपका जो पेरेंट है पेरेंट का अंदर सपोज़ फादर का एज आ, जो है अगर सपोज बिलो सिक्सटी ईयर्स है ठीक है फिर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आप दिखा सकते हो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेल्फ एंड फैमिली प्लस पेरेंट ऑल ऑफ देम बिलो सिक्सटी ईयर्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दिखा सकते हो ठीक है डिडक्शन फॉर पेरेंट्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी दिखा सकते हो पूरा ईयरली एक तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बनता है क्योंकि हम लोग को देखना है कि एग्जैक्टली exactly हम लोग अभी का भी बॉडी का कंडीशन कैसा है तो सब कुछ मिला के मैक्सिमम डिडक्शन हम लोग फिफ्टी थाउजेंड इधर से क्लेम कर सकते हैं अगर सिक्सटी ईयर्स का नीचे सब लोग हैं इसके अंदर से सिक्सटी ईयर्स का अगर अबब है तो हम लोग सेवेंटी फाइव थाउजेंड टोटल दिखा सकते हैं आज का दिन पे किसी का अगर पेरेंट ऑन रियल रियल एग्जाम्पल का अगर बात करूँ अगर पेरेंट देखोगे तो पेरेंट का लगभग जो एज जो है वो मोर देन सेवेंटी मतलब मोर देन सिक्सटी इयर्स ही होता है राइट तो मोर देन सिक्सटी इयर्स होता है तो खुद का खुद का जो फैमिली है यू एंड योर स्पाउस ठीक है चाइल्ड uh, हो गया ये सब मिला के प्लस पेरेंट ये सब कुछ मिला के जितना टोटल इंश्योरेंस है लगभग फिफ्टी थाउजेंड क्रॉस कर ही जाएगा सो इट्स वेरी इजी टू शो द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टू द गवर्नमेंट तो ये वाला मेडिकल इंश्योरेंस ले लो ठीक है अगर आज का आज का दिन पर आपका पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो इट्स बेटर टू टेक अ मेडिकल इंश्योरेंस जिसका अच्छा खासा कवर हो ठीक है uh, मतलब इन पेशेंट तो वो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से मिल जाता है उसको मेडिक्लेम कहता है ठीक है और ये वाला चीज़ मेडिकल इंश्योरेंस है दोनों कम्प्लीटली अलग है ठीक है वो मेडिक्लेम जो कंपनी से मिलता है वो सिर्फ इन पेशेंट के लिए कवर करेगा ठीक है इमरजेंसी टाइम या इन पेशेंट कोई अगर भर्ती मतलब एडमिट एडमिशन हो हो रहा है किसी का हॉस्पिटल में उस टाइम ही मिलता है ठीक है ना अगर सपोज मान के चलोगे आज आपका थोड़ा आ, पैर का कुछ आ, तो यह हो गया मतलब Uh, पैर सपोज पेन हो रहा है आप अगर डॉक्टर का पास विजिट करो आउट पेशेंट आपको दिखाना पड़ेगा राइट तो उस टाइम ये मेडिकल इंश्योरेंस का आउट पेशेंट जो फैसिलिटी है वो आप आ, उसका फैसिलिटी आप ले सकते हो सो इन दिस वे टोटल यू कैन शो सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ द एट्टी ई बहुत सारा बंदे लोग हैं जो लोग हायर स्टडीज करते हैं ठीक है थीके? तो उस टाइम हायर स्टडीज़ का जो भी आपका बिल है ठीक है जीएसटी बिल वो आप दिखा सकते हो आ, उसका पूरा टैक्स फ्री है एंड द गुड थिंग इज दैट इसका कोई लिमिट नहीं है ठीक है सी देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाइड इन द एटी सो मतलब सपोज एज पर एग्जाम्पल आप लोग अगर मास्टर्स कर रहे हो मास्टर्स का अगर दो लाख टू लाख रुपया खर्चा है या डेढ़ लाख कुछ भी हो गया ठीक है आपका हिसाब से तो उसका जो टोटल खर्चा है वो टोटली मतलब टैक्स से हट जाएगा एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो वो वाला चीज आ, उसका उसका जो बिल है और टाइम टू टाइम जो जब बिल प्रूफ हम लोग को सबमिट करेंगे कमिंग मतलब एक फिनेंशियल ईयर का लास्ट तीन महीने के अंदर वो बिल सबमिट करना पड़ता है लाइक जैन फेब मार्च का ठीक है उस टाइम बिल सबमिट करता करना पड़ता है जब मतलब फिनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो उस टाइम बिल सबमिट कर दो तो आपका जो टैक्स है वहाँ से आप बचा सकते हो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इट इज दज द डोनेशन आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट क्योंकि हम लोग का भी पोजिशन उतना है तो नहीं हम लोग अदानी या अंबानी है नहीं या रतन टाटा है नहीं ठीक है हम लोग डोनेशन उतना डोनेशन के लिए उतना पैसा हम लोग के पास है नहीं तो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट दिस डोनेशन तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली exactly हम लोग को इनकम टैक्स जो है टोटल कितना देना पड़ रहा है एज़ पर आवर एग्जाम्पल और कितना हम लोग बचाया सेव कर पाया ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे ठीक है तो गूगल के अंदर आप लोग लिख सकते हो कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर आफ्टर दैट यू कैन गो टू दिस ऑप्शन लाइक क्लियर क्लियर टैक्स का जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है इट्स अ वेरी गुड टूल तो ये जो पहला पेज है यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करना आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे वंस यू विल गो टू द सेकेंड पेज यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी तो हम लोगों का एग्जाम्पल जो है वहाँ पे टोटल कितना था वी विल चेक तो यहाँ पे सपोज हम लोग का सपोज था सैलरी ट्वेल्व लैक ठीक है यहाँ पे एग्जाम टेलावेंस हम लोग टोटल कितना किया सो एग्जाम अलाउंस यहाँ से सपोज इफ वी गो टू दिस एच आर ए सो एच आर एज पर आवर कैलकुलेशन टू लैख फोर्टी टू लैख फोर्टी थाउजेंड का एग्जामेशन हो गया ठीक है लेट मी ओपन आ कैलकुलेटर है ठीक है तो कैलकुलेटर पे हम लोग देखेंगे कि एग्जामेशन कितना हो रहा है तो हाउस रेंट अलाउंस एज पर आवर एग्जाम्पल टू लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस हम लोग अभी दूसरा वो कंपोनेंट पे जाएंगे यह वाला कंपोनेंट का अंदर सपोज एल्टी ए सिक्सटी थाउजेंड है ठीक है एल हम लोग सिक्सटी थाउजेंड नहीं लेंगे हम लोग थर्टी थाउजेंड लेंगे क्योंकि रियल जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है उसका हिसाब से मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ठीक है ऐसा नहीं है कि कुछ भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ थियोटिकल बेसिस जिसका साथ प्रैक्टिकल का कोई रिलेशन नहीं है वैसा नहीं है सो थर्टी थाउजेंड एल टी ए पकड़ के चलो कि ईयरली हम लोग का वैकेशन पे थर्टी थाउजेंड निकल ही जाता है ठीक है पूरा मतलब खुद और खुद का फैमिली के लिए अभी प्रोफेशनल परसू सपोज आई एम नॉट श्योर किसी का पास है क्या नहीं मतलब जिसका जिसका पास है ये लोग दिखा सकते हो अगर किसी का पास नहीं है दैट्स फाइन दिखाने का जरूरत नहीं है तो एज पर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि प्रोफेशनल परसू टोटल ईयर पे आप लोगों का एक लाख टोटल खर्चा हुआ ठीक है सपोज आप मास्टर्स कर रहे हो उसके पीछे आप एक लाख का बिल आपका पास है हो गया अभी व्हीकल मेंटेनेंस पकड़ के चलो कि सिक्सटी थाउजेंड तो ये टोटल थ्रेशोल्ड होल्ड है टोटल आ, मतलब एलिजिबल अमाउंट है सिक्सटी थाउजेंड से अब मैं ले रहा हूँ कि थर्टी थाउजेंड मैक्सिमम ठीक है अभी इसके अंदर से मोबाइल और इंटरनेट का सपोज ट्वेंटी थाउजेंड होल्ड है यहाँ से मैं ले रहा हूँ ओनली फोर्टीन थाउजेंड ठीक है उसके बाद फूड वॉलेट या सोडेक्स जो भी है उसका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टोटल थ्रेश होल्ड है वो ही टोटल ही लेना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये हो गया फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड ठीक है सो फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड इज अमाउंट जो नॉन टैक्सेबल है तो क्योंकि ये सब कॉम्पोनेंट मैं इधर इधर खर्चा कर रहा हूँ मैं और ये मार्च का अंदर मैं डिक्लेयर कर दूंगा तो इसके लिए फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड टोटल अब मेरा जा रहा है इसके अंदर भरना नहीं पड़ेगा ठीक है तो अभी क्लियर टैक्स पे फिर से चलते हैं क्लियर टैक्स में इधर लिख देते कि फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड तो एग्जाम टैलरेंस हो गया फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड ओके नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज डिडक्शन एट टी मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपका जो सपोज ई एल एस एस फंड है ठीक है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है ये एल आई सी है टर्म इंश्योरेंस है ये सब मिला के आप टोटल एट टी सी आप ले सकते हो तो टोटल छः शोल्ट टोटल टोल डेढ़ लाख है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ये आपको कवर करना ही है ठीक है दैट्स अ मैंडेटरी थिंग तो ये अगर कवर कर लोगे आपका जो टैक्स है अच्छा खासा बच जाएगा तो एट टी सी हम लोग भर दिया एट टी 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 ए ये सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि मैं सिंपल कैलकुलेशन दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग सिंपल तरीक़ा से बचा सकते हो टैक्स अभी मेडिकल इंश्योरेंस जो है ठीक है मेडिकल इंश्योरेंस सपोज आपका जो पेरेंट्स है पेरेंट्स का एज अगर मोर देन सिक्सटी इयर्स है तो एक इंश्योरेंस तो ले लो ठीक है आप अप, आपका खुद का आपका स्पाउस आपका चिल्ड्रेन और आपका पेरेंट्स सब कुछ मिला के सेवेंटी फाइव थाउजेंड का एक इंश्योरेंस ले लो ठीक है जिसके अंदर आपका पूरा फैमिली कवर रहेगा अच्छा तरीका से सो दैट आपका जो सेविंग्स है वो तोड़ना नहीं पड़ेगा अगर किसी का अगर कुछ ये वो हो तो आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा आपका इंश्योरेंस जो है पूरा पैसा पे करेगा ठीक है अच्छा खासा एक इंश्योरेंस ले लो विथ प्रॉपर रिसर्च तो अभी एट्टी ई -E जो है एडुकेशन लोन मैं अभी के लिए नहीं डाल रहा हूँ ठीक है ये सब नहीं डाल रहा हूँ ठीक है दीज आर द बेसिक थिंग्स मैं जो भी डाल सकता हूँ ठीक है जो कर सकता हूँ वो मैंने ऑलरेडी इधर फिल कर दिया अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना टैक्स हम लोग को देना पड़ रहा है इधर देखो कोई अगर न्यू टैक्स रिजिम से जा रहा है ठीक है क्योंकि अभी मेरा जितना लोगों का साथ बात करके जितना लगा सब लोग मैनी पर्सनस आर इंटरेस्टेड ऑन दिस न्यू टैक्स रिजिम क्योंकि इसका अंदर कोई हेड नहीं है मतलब आ, आ, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसका अंदर राइट तो इसका अंदर एट्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ टैक्स दे देगा बंदा टोटल ईयर पे और आ, आ, मतलब ये जो है टोटल लाइबिलिटी है ठीक है बट इफ़ यू आर गोइंग और ऑप्टिंग फॉर दिस ओल्ड टैक्स रिजिम आपका पूरा जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा आपका एक पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो इसका जो ओवरव्यू है मैं और एक बार बता रहा हूँ कि कैसे इसका हो रहा है टोटल इनकम ट्वेल्व लैक एग्जेपन एंड डोनेशन ठीक है इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो एग्जेंट अलाउंस पे वहा हम लोग वो फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड मतलब जिसका अंदर हाउस रेंट अलाउंस है जिसके अंदर एल हो गया जिसके अंदर मोबाइल और इंटरनेट बिल हो गया जिसका अंदर प्रोफेशनल हो गया ठीक है फिर जिसका अंदर क्या क्या था उसमें जिसका अंदर फूड वॉलेट हो गया एन हो गया ऐसे करके ठीक है तो ऐसे करके फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन फिफ्टी थाउजेंड ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट से आपको मिलता है ठीक है ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा सबको और चैप्टर सिक्स से डिडक्शन पे टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये है क्या बोलते हैं एक्सक्लूशन है तो सब कुछ मिला के ये जो टैक्सेबल ये जो टैक्सेबल आपका पास हो गया टैक्सेबल इनकम वो है फोर लैख एट्टी सिक्स थाउजेंड तो ये फोर लैख एट्टी सिक्स थाउजेंड का ऊपर आपको टैक्स कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा तो मतलब आपका टोटल इनकम है ट्वेल्व लैख बट ये सब दिखाने का बाद आपका टैक्सेबल इनकम फोर लैख एट्टी सिक्स थाउजेंड है जिसके लिए आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं करन, पे करना पड़ेगा सो वॉट इज द कंक्लूजन अभी कैसे टैक्स बचाना है सो बेसिकली वेन यू आर गेटिंग द सैलरी जस्ट गो थ्रू द पे स्लिप कि पे स्लिप का अंदर आपको क्या क्या एक्चुअल कॉम्पोनेंट है क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है स्पेशल अलाउेंस या बोके ऑफ बेनिफिट वो सब आपका एग्जैक्टली कितना है क्योंकि उसके अंदर एल होता है उसके अंदर मोबाइल बिल इंटरनेट बिल होता है उसके अंदर एन होता है उसका अंदर फूड वॉलेट होता, होता, होता है ये सब आप नॉन टैक्सेबल डिक्लेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ इसका नॉन टैक्सेबल आप बिल जो है वो सबमिट कीजिए ठीक है आपको अच्छा खासा बाहर हो जाएगा टैक्सेबल कोटा से इसके अंदर एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा बिल आप एम्प्लॉयर को दीजिए एम्प्लॉयर आपका ऑटोमेटिकली आपका जो फिगर है आप लोगों को पे कर देगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिडक्शन एरिया है जो एटीसी ये सब इसके अंदर से एटीसी आप डेढ़ लाख का जो कोटा है पूरा ही फिल कीजिए इसको एक पैसा कम नहीं होना चाहिए और एटी डी जो है मेडिकल इंश्योरेंस आप ले लीजिए ठीक है सब कुछ मिला के अच्छा खासा आपको टैक्स बच जाएगा एक पैसा भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा मतलब मैं ट्वेल्व लैख का एग्जाम्पल दिखाया ट्वेल्व लैख का ऊपर का जितना सारा पैकेज है वो लोग भी ये सब ऐसे करके आप लोग टैक्स आप लोगों का जितना हो सके बचा सकते हो ठीक है तो सपोज एज पर एग्जाम्पल किसी का अगर फोर्टी लाख थर्टी लाख अगर पैकेज है तो टैक्स तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा बट हम लोगों का जो मेन मोटो है तो यही है कि टैक्स जितना कम हो सके हम आप लोग दो ठीक है सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक दैट द इन वीडियो इज इंफॉर्मेटिव प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो स्टिल आई नो दैट मेनी पीपल विल हैव फ्यू डाउट सो प्लीज uh write your comment within the video so that i can answer you and uh, if not you can directly contact me as well i will i will reply the comment in this video so thank you so much for being patient and I'll video thora thora barahua. but i think uh jitna hosa information simple, simple way pe may either already provide kia so uh thank you see you on next video and till then Goodbye and take care.